Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 6 and it is by Brain Root series and here's a book. The name of your book is Cyber Creators. Today we are going to start with chapter number 8 of your book and the name is Artificial Intelligence. So children, in this chapter we are going to learn what is artificial intelligence. This is short mein hum AI bhi bolte hain. Kya hai future AI ka? What is internet of thing? IoT kya hota hai? And artificial intelligence of thing. Artificial intelligence of thing means AIoT kya hota hai? Applications of AIoT, कौन कौन से applications use किए जाते हैं and will intelligent machines have rights? क्या ये जो intelligent machines हैं इनके कुछ rights होंगे? So before we begin, name any 8 AI games and apps in the circles given below. सो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ AI गेम्स हैं और ऐप्स हैं उन्हें इन सर्कल्स में लिखना है. सो चिल्ड्रेन, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो इन कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉल मशीन इंटेलिजेंस. अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मशीन इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं. ये एक इज डेमोंस्ट्रेटेड बाय मशीन इन कॉन्ट्रास्ट टू इंटेलिजेंट डिस्प्ले बाय ह्यूमन. सो ये जो है मशीन्स को यूज़ किया जाता है ह्यूमंस के इंटेलिजेंस के कॉन्ट्रास्ट में. As you all know, machines do not possess any natural intelligence of their own. क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि जो machines हैं वो क्या करते हैं, उनका खुद का कोई natural intelligence नहीं होता. जैसे हम humans क्या हैं, हम naturally intelligent हैं, हम by birth intelligent हैं, लेकिन ये जो machines हैं इनका खुद का कोई intelligence नहीं होता है. Machines were initially built to work for humans. ये जो मशीन से इन्हें यूज किया गया था ह्यूमंस के लिए. ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीन्स वर बिल्ट टू प्रोड्यूस आइटम्स विच वर प्रीवियसली ओनली प्रोड्यूस बाय हैंड एंड वर ओनली मैकेनिकल इन नेचर. तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ कि ये मशीन्स बनाई गई किस लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो पहले सिर्फ हाथों से बनाई जाती थी या मैकेनिकल थी नेचर में. तो ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए इन मशीन्स को डेवलप किया गया था. मशीन्स ऑफ दैट टाइम डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक. उस समय के जो मशीन्स थे वो सोच नहीं सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइसिकल यू हैव टू मैनेज टू अवॉइड ट्रैफिक. आप मान लो अगर बाइसिकल चला रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए. AI इज़ द साइंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स. AI एक साइंस है जो क्या करता है, साइंस है या फिर एक इंजीनियरिंग है जो इंटेलिजेंट मशीन्स को बनाता है, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाता है. AI combines many fields of study. AI में आपको स्टडी के बहुत सारे फील्ड्स मिलेंगे. AI is concerned with designing intelligent computer system. AI जो है डील करता है इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम को बनाने में, जो कि सिस्टम है दैट एग्जिबिट कैरेक्टर्स वी एसोसिएट विथ इंटेलिजेंस इन ह्यूमन बिहेवियर. और इसमें क्या है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के इंटेलिजेंस में होता है, जैसे कि लैंग्वेज को समझना, चीज़ों को लर्न करना, रीजनिंग सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें जो मैन के अंदर, हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है वो अब मशीन्स के अंदर डेवलप की जा रही हैं. AI इज द स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन. AI एक स्टिमुलेशन है ह्यूमन का, जो इंटेलिजेंस है उसे मशीन्स में डालने का.
particularly computer system. AI-based machines can learn to mimic human tasks. ये जो AI-based machine है वो human की आवाज की भी मिमिक्री कर सकते हैं with the help of their prior experience and without the need for manual assistance. बिना इनको manual assistance दिए ये खुद से ये सारे काम कर सकते हैं. And it is said by Barr and Frank Baum. Now children, there is an activity given in your book. Let us do. यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवर मैच ह्यूमन इंटेलिजेंस. आपको क्या लगता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या कभी भी हम ह्यूमंस के इंटेलिजेंस को मैच कर सकता है? इन द इमीडिएट फ्यूचर हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो. पॉसिबिलिटी इन द डिस्टिंक्ट फ्यूचर हो सकता है कि आने वाले जो फ्यूचर हैं इमीडिएट फ्यूचर से भी जो दूर वाला फ्यूचर है मींस और भी टाइम बाद हो सकता है वो ह्यूमन जैसे हो जाए या फिर नेवर कभी नहीं ऐसा हो सकता. सो वॉट एवर यू थिंक चिल्ड्रन यू कैन टेक हियर. लेट्स लर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ AI. द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ मोर फैसिनेटिंग एंड प्रॉमिसिंग देन एवर. सो ये जो AI का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आप जो है काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग हो चुका है प्रॉमिसिंग हो चुका है पहले से भी. पीपल सीम टू हैव कम आउट फ्रॉम दिस डिबेट फॉर ईयर्स नाउ. अब जो लोग हैं इस डिबेट से बाहर आ चुके हैं काफ़ी समय तक. सम से रोबोट्स आर द फ्यूचर एंड दे विल रेप्लिकेट ह्यूमन कम्प्लीटली. कुछ का ही मानना है कि रोबोट जो है ह्यूमंस को पूरी तरह से टेक ओवर कर सकते हैं. Another opinion is that human dependency on this sector will increase manifold. So, दूसरे ग्रुप का कहना है कि जो humans हैं वो इस सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो ये क्या करेगा manifold को इंक्रीज करेगा. However, one thing is for sure. लेकिन एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा श्योर है ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक प्रोग्रेसिंग फास्ट देन एवर. ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है. एंड नो वन नोज वॉट माइट कम नेक्स्ट. और किसी को भी नहीं पता कि अगला क्या होने वाला है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प अ लॉट इन रिमूविंग टेडियस टास्क फॉर ह्यूमंस. ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हेल्प कर सकता है लोगों का रिमूव करने में टेडियस टास्क ह्यूमंस के लिए लीव करता है ज़्यादा टाइम टू डू जॉब्स दैट नीड क्रिटिकल थिंकिंग. ऐसे जॉब्स करने में जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की काफ़ी ज़रूरत है या फिर क्रिएटिविटी की ज़रूरत है सच एज डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थिंकिंग ऑफ न्यू ब्रांड्स. नए सर्विसेज को डिज़ाइन करना नए ब्रांड्स को के बारे में सोचना या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप पे डील करना. Some applications of artificial intelligence are already being used extensively in many tech-based industries. So, बहुत सारे जो tech-based industries हैं वो ऐसे AI applications use कर रहे हैं जैसे कि insurance or finance, health and even customer service firm. इन सब जगहों पे AI को use किया जा रहा है. Artificial intelligence is powering robots that do environmental surveys. ये एक ऐसे powering robots हैं जो environmental surveys करते हैं calculate करते हैं risk को बात करते हैं human से records को maintain करते हैं information को maintain करते हैं और data को capture करते हैं उन लोगों के interaction से. Next is what is internet of things IoT. अब हम पढ़ेंगे IoT क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स. ये एक तरीका है ये एक प्रोसेस है चीज़ों को कनेक्ट करने का जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना इंटरनेट से आर नोन इंटरनेट ऑफ थिंग्स. मीन्स फिजिकल चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट करने को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं. इट इंटीग्रेट्स एवरी डे थिंग्स विद द इंटरनेट. ये हर रोज की चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ता है. फ्रॉम कॉमन हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक लाइट बल्ब टू हेल्थ केयर असेट्स लाइक मेडिकल डिवाइसेस. तो ये घर में यूज हुए जाने वाले एक छोटे से बल्ब
से लेके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़, उन सबको आपस में जोड़ता है। स्मार्ट वेरेबल डिवाइसेस को जोड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ों को ये इंटरनेट से जोड़ता है। सो IoT इज नाउ टॉक्ड एज नॉट अ डिस्टेंट फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। इसे जो है आज के टाइम में इंटरनेट का आगे का फ्यूचर नहीं माना जाता। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट हैज स्लोली गेन मोमेंटम एंड इज़ नाउ इन्फ्लुएंसिंग आवर फ्यूचर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने धीरे 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 अपना काम किया है और हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर रही है। इट ऑफर्स अ कन्वीनियंट एंड कनेक्टेड वे ऑफ लिविंग। ये हमें काफ़ी ज़्यादा आसान और कनेक्टेड वे देता है जीने का। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, जिसे हम AIoT कहते हैं। ये क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जब आपस में जोड़ देते हैं तो बन जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, जिसे हम AIoT भी कहते हैं। AIoT aims to make IoT operations more effective while also enhancing data management and human machine interaction. So ये जो AIoT है, इसका जो मेन काम है वो है कि IoT के जो भी ऑपरेशंस थे उसे और भी ज़्यादा एनहांस करना और भी ज़्यादा अच्छा बनाना और डेटा को मैनेज करना बिना ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन के, एंड ह्यूमन मशीन और ह्यूमंस और मशीन्स को इंटरैक्ट करने में ये हेल्प करता है। AI कैन एनहांस द बेनिफिट ऑफ IoT बाय एडिंग ह्यूमन लाइक अवेयरनेस। सो AI क्या कर सकता है? IoT को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकता है ह्यूमन जैसी अवेयरनेस देके, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी देके, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव ऑपरेशन। जो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी और ऑपरेशंस को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ AIoT। कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं AIoT में, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारा स्मार्ट होम। ये स्मार्ट होम, इसमें जो है बहुत सारी आपको इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दिखेंगी जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। यूज़र क्या कर सकता है? इन फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि सिक्योरिटी को अपने फ़ोन से ही कनेक्ट कर सकता है वो, टेम्परेचर घर का कनेक्ट कर सकता है, लाइटनिंग लाइट को कहाँ पे जल रही है कहाँ नहीं जल रही है उसको उसके अकॉर्डिंग वो कनेक्ट कर सकता है, या फिर होम थिएटर को इन स्मार्टफोन ऐप से कनेक्ट कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, जो कैमरा है वो ट्रैक करते हैं आपके बाहर के घर का एक्सटीरियर, इवन इट्स पिच ब्लैक आउटसाइड। अगर बाहर बहुत ज़्यादा घना अंधेरा है तो भी ये कैमरास कैप्चर कर लेते हैं उसे। यू कैन कंट्रोल अ थर्मोस्टेट फ्रॉम योर बेड। बेड में आराम से बैठे बैठे आप अपने थर्मोस्टेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एयरपोर्ट फ्रॉम एनी प्लेस वेयर योर स्मार्टफोन हैज़ अ सिग्नल। तो जहाँ पे भी आपके स्मार्टफोन में सिग्नल है वो सब चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। LED लाइट लेट यू प्रोग्राम कलर एंड ब्राइटनेस राइट फ्रॉम योर स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन से बैठे बैठे हम अपने घर के LED लाइट्स का जो कलर है और उसकी ब्राइटनेस उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। मोशन सेंटर सेंसर क्या करता है? ये सेंड करता है अलर्ट व्हेन देयर इज मोशन अराउंड योर हाउस। जब भी आपके घर के आसपास मोशन होगा तो ये अलर्ट आपको भेजेगा। एंड दे कैन इवन टेल द डिफरेंस बिटवीन पेट्स एंड बर्गलर्स। ये आपको पेट्स और बर्गलर्स के बीच में डिफरेंस भी बताते हैं। अब बारी आती है स्मार्टफोन इंटीग्रेशन की। सो स्मार्टफोन इंटीग्रेशन आपको बताता है कि कब आपको टर्न करनी है लाइट या कौन से अप्लायंसेस आपके ऑन हैं या फिर ऑफ पोजिशन में पड़े हुए हैं। तो ये भी चीज़ें आप अपने मोबाइल से देख सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो। फिर घर के जो दरवाजे हैं वो लॉक है या नहीं, गैरेज के जो डोर हैं वो लॉक है या नहीं, उन्हें ऑटोमेटिकली आप ओपन भी कर सकते हो, खोल सकते हो या फिर क्लोज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से। ऑटो अलर्ट फ्रॉम ए सिक्योरिटी सिस्टम विल इमीडिएटली गो टू योर स्मार्टफोन। जो भी अलर्ट है आपके सिक्योरिटी का वो आपके स्मार्टफोन पे ही चला जाएगा।
सो यू इंस्टेंटली नो इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम एट होम. तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको पता चलेगा आपके घर में कहाँ पे किस तरीके की कौन सी प्रॉब्लम चल रही है या नहीं चल रही है. अब बारी आती है स्मार्ट सिटी की. इनिशिएटिव्स फॉर स्मार्ट सिटीज आर बीइंग मेड पॉसिबल ग्लोबली बाय द इमर्जिंग IoT एप्लीकेशंस. सो ये जो स्मार्ट सिटीज है उन्हें मीन्स सिटीज़ को स्मार्ट बनाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स कर रही है गवर्नमेंट कर रही है. एंड स्मार्ट सिटीज़ यूज़ IoT इनेबल्ड डिवाइसेस. ये जो स्मार्ट सिटीज़ हैं ये भी IoT से इनेबल्ड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कनेक्टेड सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, मीटर यूज़ कर रहे हैं टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए. That data is used to improve operations. ये जो data है इसे use किया जाता है operations को improve करने के लिए across the city for better quality. पूरे city में अच्छी quality के लिए, अच्छी quality of life के लिए और कम consumption of resources के लिए, means resources को इसकी वजह से कम consume किया जाता है. तो ये आप देख सकते हो picture आपके सामने smart city की, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे कितनी सारी चीज़ें कर पा रहे हो. The following are different benefits of smart cities. अब क्या क्या benefits है? पहला है reduce energy cost and carbon emission. So ये जो smart cities है इसमें जो है क्या होता है, जो energy की जो cost है वो कम होती है और जो carbon emission है means carbon monoxide या different जो gases है जो carbon से भरी हुई हैं वो कम हो रही हैं. Cities are becoming more populated and we are running out of services. ये जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा पॉपुलेट हो रही हैं और हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं. स्मार्ट सिटीज़ इफेक्टिवली कंजर्व एंड रिड्यूस अननेसेसरी वेस्ट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, कंजर्व करती हैं, रिड्यूस करती हैं वाटर वेस्टेज को और इलेक्ट्रिसिटी को. स्मार्ट सेंसर्स अलाउ सिटीज़ टू क्विकली आइडेंटिफाई लीक्स इन पाइप. सो जब ये जो स्मार्ट सेंसर्स है वो क्या करते हैं, अगर कहीं भी पाइप में लीकेज है तो उसे वो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेती हैं, डैमेज को फिक्स कर देती हैं इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. अगर हमें पता चलेगा कहाँ से लीकेज है तो हम बहुत जल्दी उसे ठीक कर सकते हैं. रियल टाइम डेटा इज यूज टू रेगुलेट और डिम LED स्ट्रीट लाइट. सो रियल टाइम डेटा को यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स को, LED लाइट्स को डिम करने के लिए या बंद करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए. स्मार्ट एनर्जी मीटर इन रेजिडेंस एनकरेज रेजिडेंस टू यूज लेस एनर्जी. सो ये जो स्मार्ट एनर्जी मीटर है रेजिडेंस में उसे यूज़ किया जाता है रेजिडेंस के द्वारा ताकि कम एनर्जी यूज़ की जाए. फिर बारी आती है इम्प्रूव एयर क्वालिटी. सो अब जो है कैसे ये स्मार्ट सिटीज़ में एयर क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम पढ़ेंगे. सो इन स्मार्ट सिटीज़ एयर प्रेशर, एयर पोल्यूशन, ह्यूमिडिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कैन बी एग्जामिन्ड इन रियल टाइम. सो ये सारी चीज़ों को हम इजिली एग्जामिन कर सकते हैं स्मार्ट सिटीज़ में. अब बारी आती है रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन. ट्रैफिक कंजेशन कैसे रिड्यूस हो रहा है. सो सम ट्रैफिक सिग्नल्स प्रोवाइड रियल टाइम डेटा विच इज़ यूज बाई द ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सेंडिंग रियल टाइम अलर्ट टू पीपल एडवाइजिंग द फास्टेस्ट रूट प्रोवाइडिंग पार्किंग लोकेशन एंड सो ऑन. सो कुछ ट्रैफिक सिग्नल जो है वहाँ पर आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा जिसकी वजह से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या कर सकता है, प्रॉपरली वर्क कर सकता है, लोगों को अलर्ट भेज सकता है कि कौन से रास्ते पर आपको जो है भीड़ मिलेगी और कौन सा रास्ता सही है जाने के लिए. आपको पार्किंग लोकेशन भी बताते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है ये आपको रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन. फिर आती है बारी ऑप्टिमाइज वेस्ट मैनेजमेंट. स्मार्ट डस्टबिन्स कैन सिग्नल डेंसिटी लेवल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. जो स्मार्ट डस्टबिन है वो क्या कर सकते हैं, हमें सिग्नल देते हैं और ये बताते हैं हमें डेंसिटी जो है वेस्ट मैनेजमेंट का एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग रिमूवल सर्विसेज एज नीडेड. ये हमें रिमूवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज अपोज टू अनलेस प्री शेड्यूल पिकअप्स. नेक्स्ट कम्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी.
So smart city technology like Wi-Fi, IoT, and surveillance cameras can improve resident safety and increase incident response time. So ये जो smart cities हैं, इसमें जो technologies हैं, जैसे Wi-Fi हो गया, या फिर IoT हो गया, या फिर surveillance camera जो हो गया, ये हम residents को help करता है अपनी security को बढ़ाने में, और जो residents हैं उनका जो response time है उसे भी increase करता है. Smart surveillance camera feature like facial recognition, fire alarm, smoke alarm, locking or unlocking of doors all help to reduce the risk of crime. So ये सारी जो चीज़ें हैं ये crime के risk को कम करती हैं. ये जो technology है ये work करती हैं एक साथ to make the community safer. ये हमारी जो community है उसे और भी ज़्यादा safe बनाती हैं. Now children, let's learn about smart health care. So quick health care is an essential condition of our city life. अगर हम सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत जल्दी हमें हेल्थ केयर मिल जाए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है हमारे लिए, हमारी हेल्थ कंडीशन के लिए. Existing हेल्थ केयर सिस्टम आर फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ये जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसे काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामने करना पड़ रहा है. सो देयर इज़ अ हाई डिमांड फॉर हॉस्पिटल्स, और इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से जो हॉस्पिटल्स की डिमांड है वो बढ़ रही है, मेडिकल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है, और भी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है. सो IoT और जो ग्लोबल कंप्यूटिंग एडवांसमेंट है ये क्या करता है, ये राइज देता है, ये उठाता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हेल्थ केयर का. ये स्मार्ट हेल्थ केयर के बारे में बताता है जहाँ पे IoT क्या करता है, इनेबल करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को और हेल्प करता है डायग्नोस करने में डिजीजेस, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग एंड अदर मेडिकल पर्पसेस एंड सर्विसेज. सो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है स्मार्ट हेल्थ केयर. वाइल विद द यूज ऑफ द स्मार्ट टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल्स मे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म द वे पेशेंट एंगेज विद द डॉक्टर. सो इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से चेंज कर सकता है कैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के साथ एंगेज हो या फिर इंटरैक्ट हो. पेशेंट हिस्ट्री कैन बी टेकन बाई रोबोट्स एंड कुड बी अपडेटेड करेक्टली टू द पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम. अब पेशेंट्स की जो भी हिस्ट्री है, डिजीज़ की हिस्ट्री है, उसे रोबोट्स जो है ले सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम में. हेल्थ केयर पावर्ड बाई AIoT विल बी मोर इफेक्टिव. ये जो हेल्थ केयर है AIoT के द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है और इंडिविजुअलाइज है, मीन्स इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव रहती है. अब कुछ बेनिफिट्स हैं IoT के हेल्थ केयर के सेक्टर में. ये क्या करता है, हेल्थ केयर के कॉस्ट को कम कर देता है, ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर देता है, डिजीज़ कंट्रोल अच्छे से होता है, अच्छा एनालाइज होता है पेशेंट्स का जो मेडिकल प्रोग्रेस है उसे अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है, रिड्यूस करता है एरर्स को और मेंटेन करता है मेडिकल सर्विसेज को. सो ये सारे जो है बेनिफिट्स हैं IoT का हेल्थ केयर में आने का. नेक्स्ट कम्स स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन. सो IIoT ट्रांसपोर्टेशन रिफर्स टू द नेटवर्क ऑफ ऑटोमोबाइल्स यूजिंग स्मार्ट सेंसर. तो AIoT ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये नेटवर्क है ऑटोमोबाइल्स का जिसमें स्मार्ट सेंसर को यूज़ किया जाता है, एक्टुएटर्स को यूज़ किया जाता है और दूसरी डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है जो क्या करती है, करेक्ट करती है और कम्युनिकेट करती है डेटा ऑन एक्चुअल एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग डेटा को ये सेंड करती है. द अडॉप्शन ऑफ AIoT एनेबल टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री. ये जो अडॉप्शन है AIoT टेक्नोलॉजी का, इसने क्या किया है, डेवलप किया है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा. AIoT एनेबल ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स पीपल बाय प्रोवाइडिंग मोर एक्यूरेट अप टू डेट एंड रियल टाइम डेटा. सो ये AIoT जो है ये क्या करता है, एक्यूरेट डेटा देता है, ट्रैफिक से रिलेटेड अप टू डेट रखता है हमें और रियल टाइम डेटा हमें प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है, हेल्प करने में हमें अपने प्लान्स, जो भी ट्रिप्स हैं उसको प्लान करने में हेल्प करता है और कम्युनिकेशन को एनहांस भी करता है. अब द सेफ्टी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड कैन बी इंक्रीज बाय डिप्लॉइंग AIoT एनेबल्ड टेक्नोलॉजी.
अब जो सेफ्टी की बात की जाए, सेफ्टी जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है इस AIoT के इनेबल होने से। टू मॉनिटर ट्रेन स्पीड, ट्रेन की स्पीड को देखा जा सकता है। एयर ट्रैफिक कंजेशन मीन्स कहीं रास्ते में एरोप्लेन है तो वहाँ पे कोई एयर ट्रैफिक तो नहीं है। टेम्परेचर क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं एट एन इंटरसेक्शन, तो एक ही जगह पे कितने व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस AIoT के थ्रू मिल जाती है। अब कुछ बेनिफिट्स हैं स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के, वो क्या हैं, टोल एंड टिकटिंग। सो AIoT क्या करता है, एन AIoT एनेबल्ड व्हीकल क्या करती है, ये जो डिटेक्ट कर सकती है किलोमीटर्स को दूर से ही टोल स्टेशन के, करेक्टली आइडेंटिफाई करती है चीज़ों को, बैरियर्स को आइडेंटिफाई करती है जिसके थ्रू ये व्हीकल्स पास होते हैं। फिर है कनेक्टेड कार्स, कनेक्टेड कार्स विल यूज इन व्हीकल नेटवर्क रडार्स एंड कैमरास टू डिटेक्ट द एंड कम्युनिकेट विथ वन अनदर इन द फ्यूचर। सो ये जो कनेक्टेड कार्स हैं वो क्या कर सकते हैं, नेटवर्क रडार या फिर कैमरास को यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करने के लिए। इट विल हेल्प इन प्रिवेलिंग कॉलिजन एंड प्रमोटिंग स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, रोकने में, कॉलिजन को रोकने में और स्मूथ ट्रैफिक को ले जाने में। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, सो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम आर टिपिकली यूज विद इन द फ्राइट सेगमेंट। सो ये जो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, इसे जो है फ्राइट सेगमेंट में यूज़ किया जाता है टू हेल्प कंपनीज मैनेज देयर ऑपरेशंस इफेक्टिवली, ये कंपनीज को हेल्प करता है उनके ऑपरेशंस को मैनेज करने में। एडिशनली दे हेल्प इन मॉनिटरिंग ड्राइवर्स, ये हेल्प करता है मॉनिटर करने में ड्राइवर्स को और कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑन आइडलिंग टाइम एंड ड्राइविंग टाइम। सो ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कि कितने टाइम जो है ड्राइवर आइडल बैठा है और कितने टाइम ड्राइव कर रहा है। फिर आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, AIoT क्या करता है, ये इनेबल करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, इनकॉर्पोरेट करता है इंटीग्रेटेड टिकटिंग को, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन को एंड एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम को, स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस एंड एनहांसिंग ऑल ओवर द यूज़र एक्सपीरियंस, जो यूज़र का एक्सपीरियंस है उसे एनहांस करता है। इट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज टू मॉनिटर रियल टाइम ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं इसके थ्रू जो है रियल टाइम जो ट्रैफिक है उसे मॉनिटर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं अनप्रिडिक्टेड हैपनिंग्स के लिए या स्केड्यूल्स के लिए, जैसे कि एक्सीडेंट, रोड रिपेयर, इमरजेंसीज, इन सब को अवॉइड किया जा सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की वजह से। नेक्स्ट कम्स स्मार्ट एग्रीकल्चर, IoT इन एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स, तो ये जो IoT अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आ चुका है, इसमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी यूज़ की जाती है, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है, IT सर्विसेज को यूज़ किया जाता है। AIoT बेस्ड फार्मिंग क्या करती है, ये फार्मर्स को हेल्प करती है रिड्यूस करने में वेस्ट रिड्यूस होता है इसके थ्रू और प्रोडक्शन इंक्रीज होती है अक्रॉस अ नंबर ऑफ पैरामीटर्स सच एज अ क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज, नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय फार्म व्हीकल्स एंड द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड एनर्जी। तो जितनी चीज़ें चिल्ड्रन यहाँ पे लिखी गई इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं फार्मर्स घर बैठे बैठे। AIoT बेस्ड स्मार्ट फार्मिंग ऑटोमेट्स द इरीगेशन सिस्टम, अब ये AIoT क्या करता है, इरीगेशन सिस्टम को भी मैनेज करता है और एक नज़र रखता है फार्म की जो लाइट है, कितनी लाइट है वहाँ पे, कितनी ह्यूमिडिटी है, क्या टेम्परेचर है, सॉइल का मॉइस्चर कितना है, क्रॉप की हेल्थ कैसी है, तो ये सारी चीज़ें AIoT जो है मैनेज करता है। ऑल्सो फार्मर्स कैन कीप एन आई ऑन द कंडीशन ऑफ द फील्ड फ्रॉम एनीवेयर, और जो फार्मर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी फील्ड पे नज़र रख सकते हैं भले वो कहीं भी हो। नेक्स्ट कम्स स्मार्ट लॉजिस्टिक, सो नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द लॉजिस्टिक नेटवर्क इज, भले ही जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है वो कितना भी स्ट्रांग हो, एट सम पॉइंट और अदर इन दिस इन इट्स रूट अ ट्रक गोज स्ट्रक इन द ट्रैफिक जैम, दिस इज अ पैकेज टू दिस
A package takes long and expected to reach its destination, missing the deadline. So, भले ही ये logistic network कितना भी strong हो, फिर भी क्या होता है, जो truck है वो traffic jam में फंस जाती है, package को पहुंचने में अपने destination में काफ़ी लंबा समय लगता है और जो है अपनी deadline को भी वो cross कर जाता है. With traditional supply chain management, logistic managers often do not find information about delayed or misrouted assets. तो ये जो ट्रेडिशनल सप्लाई मैनेजमेंट है, इसके थ्रू जो लॉजिस्टिक मैनेजर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती उन्हें कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्यों डिले हो रहा है या जो एसेट है वो रूट से गायब क्यों हो रहा है. दिस रिजल्ट इन लॉस्ट प्रोडक्टिविटी. और ये क्या करता है, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी में रिजल्ट करता है डिलेड प्रोडक्शन एंड डैमेज क्लाइंट रिलेशनशिप. इन सब चीज़ों को ख़राब करता है, मींस प्रोडक्टिविटी ख़राब होती है, प्रोडक्शन ख़राब होता है और क्लाइंट से जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब होती है. AIoT has become a comprehensive solution for managing goods at every step along its logistic networks. So AIoT की मदद से ये सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है. Smart logistic powered by the AIoT network allows industry to visualize location and manage critical goods. तो ये जो है इस टेक्निक की वजह से, AIoT की वजह से हम अपने प्रोडक्ट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, उनके लोकेशन देख सकते हैं, उन्हें उनके जो क्रिटिकल गुड्स हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं और इसके सप्लाई पे ध्यान दे सकते हैं रियल टाइम में. इट स्ट्रीमलाइंस फील्ड ऑपरेशंस. ये क्या करता है, फील्ड ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करता है, रिड्यूस करता है इनएफिशिएंसी को कम करता है और डिलीवर करता है एक अच्छा इंसाइट और क्लाइंट से जो आपका रिलेशन है उसे भी इम्प्रूव करता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ AIoT इन लॉजिस्टिक. नेक्स्ट इज, विल इंटेलिजेंट मशीन्स हैव राइट. सो क्या ये जो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं ये सही हैं? एज मशीन्स बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड वी आस्क मोर फ्रॉम आवर मशीन्स. जैसे कि ये जो मशीन्स हैं ये हम ज़्यादा इंटेलिजेंट बनती जा रही है और हम इन्हें और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट करना चाहते हैं. हाउ शुड दे बी ट्रीटेड एंड व्यूड इन सोसाइटी. अब इन मशीन्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे इन्हें देखना चाहिए सोसाइटी में. वंस मशीन्स कैन एक्चुअली स्टिमुलेट इमोशंस एंड एक्ट सिमिलरली टू ह्यूमन बींग. सो एक बार क्या ये मशीन जो है एक्चुअली जो है ह्यूमन इमोशंस को स्टिमुलेट कर सकती हैं और ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सकती हैं. हाउ शुड दे बी गवर्न. उन्हें कैसे देखना चाहिए, कैसे उन्हें गवर्न करना चाहिए. शुड वी कंसिडर मशीन्स एज ह्यूमन एनिमल्स और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स. क्या हमें मशीन्स को ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना चाहिए, एनिमल्स की तरह ट्रीट करना चाहिए या फिर किसी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए. टू दिस पॉइंट, to what level do we ascribe liability and responsibility to the devices themselves over the people that are supposedly in control to them. ab is point ki agar baat ki jaye to kis level tak hum is liability ko le sakte hain, responsibility ko le sakte hain in devices ki jo bhi log hai hamare aas paas एंड कैसे इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है. इन मार्च 2018 एन ऑटोनॉमस व्हीकल स्ट्रक एंड किल्ड अ पेडेस्ट्रियन. सो मार्च 2018 में क्या हुआ कि एक जो है ऑटोनॉमस व्हीकल मींस सेल्फ ड्राइविंग कार जिसे कहते हैं, उसने क्या किया, एक पेडेस्ट्रियन को मार गिराया, उसमें टकराया और उसे मार दिया. पीपल वर आउटरेज आफ्टर द मशीन किल्ड अ ह्यूमन बींग. लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, उन्होंने कहा कि मशीन ने एक ह्यूमन बींग को मार डाला. शुड रोबोट्स बी ग्रांटेड ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजनशिप. क्या लगता है आपको कि जो ये रोबोट्स हैं इन्हें ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए या इन्हें किसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए. इफ वी इवॉल्व रोबोट्स टू द पॉइंट दैट दे आर केपेबल ऑफ फीलिंग, डज दैट एंटाइटल देम द राइट टू राइट्स सिमिलर टू ह्यूमन और एनिमल्स. मान लो कि ये जो रोबोट्स हैं ये फील करने लगे तो क्या इन्हें हम ह्यूमन्स या फिर एनिमल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं,
क्या इन्हें ये राइट्स मिलने चाहिए? इफ रोबोट्स आर ग्रांटेड राइट्स देन हाउ डू वी रैंक देयर सोशल स्टेटस? अगर इन रोबोट्स को ये राइट्स दिए जाते हैं जो ऊपर मेंशन है, तो इनके सोशल स्टेटस को हम कैसे रैंक देंगे? इन 2017 द हैंसन रोबोटिक्स ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया वॉज ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया। सो ये जो सोफिया, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसे सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप मिल चुकी है। वेल सम कंसिडर दिस टू बी मोर ऑफ अ पीआर स्टंट दैन एक्चुअल लीगल रिकॉग्निशन। कई लोग इसे पीआर स्टंट बोलते हैं। इट डज नॉट सेट एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ राइट्स एआई सिस्टम मस्ट बी ग्रांटेड इन द फ्यूचर। ये जो है एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है जो कि ये बताए कि एआई सिस्टम को जो है फ्यूचर में किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके की परमिशन दी जाए। एआई एथिक्स आर द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दैट फॉर्म द गाइडलाइंस। ये जो एआई एथिक्स हैं, ये कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो गाइडलाइंस को क्रिएट करती हैं किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में, और रिस्पॉन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। एआई एथिक्स आर द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दैट फॉर्म द गाइडलाइंस। ये जो एआई एथिक्स हैं, ये मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, टेक्निक्स हैं जो एक गाइडलाइंस को क्रिएट कर रही हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये जो एआई टेक्नोलॉजी, इसको एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ किया जाए। एथिकल एआई इंश्योर्स दैट द एआई इनिशिएटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ह्यूमन डिग्निटी। सो एथिकल एआई जो है ये क्या करता है, इस बात पे ध्यान रखता है कि जो एआई के जो भी इनिशिएटिव्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, वो क्या करे, ह्यूमन की जो डिग्निटी उसे मेंटेन करे, प्रैक्टिस करे फेयरनेस को, और किसी भी तरीके का हार्म किसी भी पर्सन को सोसाइटी में ना करे। अनफॉर्चुनेटली एआई लैक्स द एबिलिटी टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो एआई है वो सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता, उसके पास ये काबिलियत नहीं है। एआई कैन ओनली सेपरेट राइट फ्रॉम रॉन्ग बेस्ड ऑन डेटा दैट हैज़ बीन लेबल्ड। एआई क्या कर सकता है, राइट और रॉन्ग को जो है अलग कर सकता है जो भी उसको डेटा दिया गया है। मान लो उसे डेटा दिया गया कि किसी को मारना एक अच्छी बात है, तो अगर उसके अंदर ये डेटा फिक्स है तो वो किसी को मारने वाला जब आप क्वेश्चन से पूछोगे तो वो कहेगा ये एक अच्छी बात है। तो जैसा उसके अंदर डेटा फील है उसके अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसे सही और गलत में फ़र्क नहीं पता। वेर अ डेवलपर फेल्स टू कंसिडर द आउटकम ऑफ एवरी एल्गोरिदम दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। जब एक डेवलपर जो है फेल हो जाता है सारे जो भी एल्गोरिदम्स लगाए गए हैं इम्प्लीमेंट करने में, इट मे लीड टू एन अनडिजायरेबल और अनएथिकल रिजल्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक अनडिजायरेबल या फिर अनएथिकल रिजल्ट सामने आएगा। एज प्रोग्राम बेस्ड मशीनरी एआई सिस्टम आर नॉट मॉरली अकाउंटेबल एजेंट। सो प्रोग्राम बेस्ड मशीनरी होने की वजह से जो एआई सिस्टम है वो मॉरली अकाउंटेबल एजेंट नहीं है। सो द क्वेश्चन इज हु इज टू बी ब्लेम्ड इफ एआई मेक्स अ मिस्टेक। तो क्वेश्चन ये उठता है कि किसको ब्लेम किया जाए अगर एआई ने कोई गलती की है, और इफ एआई गिव्स इनकरेक्ट रिजल्ट, या फिर अगर एआई एक इनकरेक्ट रिजल्ट देता है तो किसको ब्लेम किया जाए। एआई इज अ टेक्नोलॉजी डिजाइन बाय ह्यूमंस टू रेप्लिकेट। एआई एक टेक्नोलॉजी है जो यूज की जाती है, जो डिजाइन की गई है ह्यूमन को रेप्लिकेट करने के लिए, ह्यूमन को ह्यूमन के जैसे बिहेव करने के लिए, एनहांस करने के लिए, या फिर इवन रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, या फिर ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस है उसे रिप्लेस करने के लिए। एआई रिलाइज ऑन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। एआई क्या है, विश्वास रखता है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा पे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। अगर ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा होगा तो वो आउटपुट अच्छा प्रोड्यूस करेगा। पोअरली डिजाइंड एआई algorithm built on data that is faulty, inadequate or biased can have an
इंटेंडेड और पोटेंशियली हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर डेटा को ठीक से डिज़ाइन नहीं किया है किसी डेवलपर में ने तो क्या होगा, ऐसे फॉल्टी डेटा की वजह से जो एआई है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और हो सकता है वो हार्मफुल हो हमारे लिए। सो बिकॉज ऑफ द रैपिड एडवांसमेंट इन एआई एल्गोरिदम, क्योंकि ये जो एआई है इसमें एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, इट्स नॉट ऑलवेज क्लियर हाउ द AI reaches to its conclusion. तो ये क्लियर नहीं है कि AI कैसे अपने कंक्लूजन पे आया। यू हैव टू स्टडी AI ethical concerns and develop an ethic framework. आपको क्या करना होगा, AI को स्टडी करना होगा, इसके ethical concerns को पढ़ना होगा और कैसे इसके ethics या जो framework है उसे develop किया जाता है। The AI ethics framework is important because it helps in considering the risk. ये जो AI ethics framework है ये काफ़ी ज़्यादा important है क्योंकि ये help करता है risk को consider करने में और क्या क्या benefits हैं उसे consider करने में, establish करता है guidelines ताकि इसे properly और responsibly use किया जाए। So this was the chapter children, now let's move on to let's rewind. AI is the science of engineering and making intelligent machines. Artificial intelligence will help a lot in removing tedious tasks for humans, leaving us more time to do jobs that need critical thinking and creativity, such as designing product or services, thinking of new brand campaigns, or dealing with human relationships. The process of connecting things, that is, any physical object to the internet, is known as the Internet of Things. And it integrates everyday things with the internet, from common household objects like light bulb to healthcare assets like medical devices to smart wearable devices and so on. IoT is considered as the future of the internet. A combination of AI technology and Internet of Things infrastructure is known as artificial intelligence of things. AI ethics are the moral principles and techniques that form the guideline for the development and responsible use of artificial intelligence technology. Ethical AI ensures that the AI initiatives of an organization maintains human dignity, practice fairness, and do not cause any type of harm to people. So this was what all we have learned, children. Let's move on to book exercise, which is check yourself. So here the first one is check the correct option. So the first question over here is, Dash is not the feature of smart healthcare system. कौन सा है जो feature नहीं है smart healthcare system का? So it is increase health cost. So smart feature में health cost increase नहीं होती. Next is AIoT based dash automates the irrigation system and keeps an eye on the farming. So AIoT automates the irrigation system, so it is farming. So AIoT based farming automates the irrigation system and keeps an eye on the farming. So like this children, you have to complete the rest of the questions that are given here. Now quickly let's move on to fill in the blanks. So here the first question is, AI is the science of engineering and making intelligent machines, especially the intelligent computer programs. Second one, smart sensor allows cities to quickly identify leaks in pipes. Like the children, you have to do the rest questions that are given here. Now let's move on to true or false. So IoT is a process of connecting things, that is any physical object to the internet. Yes, this is true children. IoT based smart farming enables farmers to increase waste and production. To kya ye waste ko bhi increase karta hai? No, this is false. So like this children, you have to do the rest questions. Now children, let's move on to D exercise, which is answer the following questions. Here the first question is, what do you mean by AI? So AI is a science and engineering of making intelligent machines. Next one is define IoT. So IoT is a process of connecting things, that is any physical object with the internet.
So these are the answers, children. You have to complete the rest of the questions that are given here yourself. And with this, we have completed the chapter. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.